Hi guys, मैं मिनाज आपका दोस्त फिर से एक नई जगह एक्सप्लोर करने आया हूँ. आज मैं खड़ा हूँ कोलाघाट एरिया में और इस एरिया का आपका कोलाघाट रोड कहलाता है. कोलाघाट एरिया में पड़ता है और यहाँ का मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. यहाँ का फेमस होटल शेरे पंजाब के सामने मैं खड़ा हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे शेरे पंजाब होटल है जो रात का अभी 3:30 बज रहा है रात का, लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ है, अभी भी इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए. बहुत मशहूर जगह है यहाँ का, कलकत्ता का फेमस जगह में से एक ये भी गिनती में आता है, क्योंकि ये होटल ये ढाबा जो है यहाँ का फेमस जगह में से एक काउंटिंग है. आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी आपको लोग दिख सकते हैं, लोग कुछ फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, कोई फैमिली के साथ आए हुए हैं, अलग अलग जगह से सब यहाँ पे गाड़ी में ट्रेवल करके आते हैं. आकर यहाँ पर लेट नाइट तक ये खुला रहता है. आपको रात को वक्त पूरे एरिया में अगर आपको खाना अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको अगर भूख की तंगी है, आपको खाने की ज़रूरत है, आप यहाँ पर दोस्तों के साथ रात के टाइम में आप किसी भी वक्त आकर यहाँ पर खाना आपको अवेलेबल मिल सकता है. आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इंजॉय कीजिए. यहाँ पर फूड ड्रिंक्स आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगा. लेट नाइट तक के यहाँ पर खुला रहता है. ये शेरे पंजाब से आपको ये मुंबई हाईवे में ये शेरे पंजाब अवेलेबल आपको मिल जाएगा, हर तरह का खाना. साथ में यहाँ से आपको ये जो रास्ता जा रहा है ये सीधा रास्ता दीघा की तरफ जा रहा है. यहाँ से 120 किलोमीटर दूर आपको दीघा, जो कि दीघा भी एक टूरिस्ट प्लेस है. बहुत से लोग जो दीघा जाते हैं, दीघा जाने से पहले यहाँ पे शेरे पंजाब में रुकते हैं. शेरे पंजाब में खाना वगैरह खाकर ब्रेक लेकर यहाँ पे खटिया वटिया में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दीघा के लिए निकल जाता है जो कि 120 किलोमीटर दूर होता है. और हमारे इस तरफ जो रास्ता पड़ जा रहा है, इस रास्ते आपका सीधा कलकत्ता की तरफ निकल जा रहा है, जो कोलकाता निकलेगा और ये किलोमीटर की दूरी में कलकत्ता यहाँ से होता है. और ये कलकत्ता और दीघा के बीच में ये रास्ता पड़ता है. हाय फ्रेंड, हम लोग ये दीघा एंट्री कर रहे हैं. ये दीघा का गेट हुआ, ऊपर देखिए टॉप में विश्वा बंगला का लोगो बना हुआ है और ये दीघा का एंट्री गेट है. यहाँ से हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं. ये सुबह का 6 बज रहा है और ये सुबह 6 बजे का यहाँ का सीन हम लोग देखते हैं. ऊपर में मोहना में जो माछ वाच हाय दोस्तों, आज मैं आपको दीघा बीच का टूर करवा रहा हूँ. मैं अभी दीघा बीच में आया हुआ हूँ. आप देख सकते हैं मेरे सामने दीघा बीच है और यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं. अभी हम लोग दीघा बीच में जा रहे हैं. ये दीघा बीच का आपको सीन दिख सकता है. सुबह का 7 बजने वाला है और लोग यहाँ पर व्यू देखने के लिए, यहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा इसको देखने के लिए सब आए हुए हैं. और कुछ लोग यहाँ पर अपना पाँव को भिंगा कर यहाँ पानी का लुत्फ और मज़ा ले रहे हैं. और ये कुछ लोग हैं इस तरह से यहाँ पे कुछ रस्सी में फंसा कर मैग्नेट लगा कर मछली पकड़ रहे हैं आई थिंक, या फिर कुछ और वो लोग पकड़ते हैं. हाय दोस्तों, मैं अभी दीघा बीच में हूँ. आपको मैं ये दीघा बीच का नज़ारा दिखा रहा हूँ. यहाँ देखिए कितना खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा है. सुबह का ये अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे आए हैं और इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है. पानी का तोड़ है और हम यहाँ पे खड़े हैं. अलग अलग जगह से लोग आए हैं, लोग यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा का लुत्फ़ उठा रहे हैं. आइए हम यहाँ पर देखते हैं, किसी से पूछते हैं यहाँ पर कैसा लगा.
ये एक भाई साहब हमें हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्या भाई कैसे हैं आप? अच्छे हैं, कैसे हैं आप? हाँ, और यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं कोलकाता पाक सर्कस से। अच्छा, तो आप कैसे आए हैं? हम आए हैं कार लेके आए हैं। अच्छा, 5 घंटा समझ लिए ड्राइव करके आए हैं। 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर जी। अच्छा अच्छा, तो ड्राइव करने का रास्ता आपका कलकत्ता से यहाँ का रास्ता किस तरह है? अलहमदिल्ला पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ गाड़ी का रखने का इंतज़ाम? गाड़ी रखने का इंतज़ाम है, अच्छा पार्किंग बनाया है वहाँ, पार्किंग लॉट है। अच्छा, तो पार्किंग लॉट में गाड़ी रख दी है। आए हैं यहाँ पर ही सवेर सवेर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का नज़ारा ले रहे हैं। यहाँ होटल में ठहरे हुए आप? जी, विदिशा होटल में, न्यू दीघा में ठहरे हुए हैं। अच्छा, विदिशा होटल में। और होटल में कैसा आपको इंतज़ाम मिला है? होटल में अलहमदिल्ला सब अच्छा ही है दीघा। और आए हैं यहाँ बीच का, खास करके बीच का मज़ा लेने, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड लोग पहली मरतबा आए हैं? इससे पहले भी 2 बार आए हैं और फ्रेंड लोग का साथ आ जाए हैं। फ्रेंड लोग हैं हमारा, वहाँ पर देख ही सकते हैं आप। उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या जनाब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? गुड मॉर्निंग कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कहना चाहते हैं कि जो ना आए हैं वो भी यहाँ पे आके देखें। दीघा आने का मतलब है फ्रेशनेस महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद। आप भी कोलकाता में रहते हैं? जी, हम लोग साथ में ही रहते हैं पाक सर्कस। हम इनके साथ आए हैं। अच्छा, और ये भाई साहब भी आपके साथ आए हैं? जी। अच्छा, सब आप लोग कार में आए हैं? जी। अच्छा, और यहाँ पर और कौन क्या चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा लगा इस जगह में? यहाँ के लोग अच्छे हैं और समुंदर खास कर अच्छा है, और बगल में मछली सब भी पकड़ा जाता है, निकलता है, वो भी जाके देखें। पहले से बहुत अच्छा, यहाँ पर सजाए हुए भी है, देखिए वहाँ पर ही पूरा देख ही सक रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर। ये दीघा बीच में हम लोग आज आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको यहाँ का जगह का लुत्फ़ उठाना है तो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ आपको खूबसूरती लोग आ है, घोड़े पे सवार होकर भी आप घूर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं और अलग अलग फ़ोटोग्राफ़र भी घूर रहे हैं, वो कैमरा लेकर आपको फ़ोटो खींच कर दे रहे हैं, और लोग अपने मोबाइल में भी फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का निचला हिस्सा है ये, तो इसके बाद पूरा पानी ही पानी है, और इस वजह कर यहाँ पर खूबसूरती और बढ़ जाता है। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना रहता है। एक बार आके आप लुत्फ़ लेते हैं, यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं मिन्हाज आपका दोस्त, फिर से मैं आज एक्सप्लोर करने आया हूँ। मैं अभी दीघा बीच के सामने खड़ा हूँ, आपको ये मैं अभी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बनाया गया है इतना अच्छा स्टैचू, और ऊपर बिस्वा बंगला का लोगो बना हुआ है। बिस्वा बंगला का जो हमारा जो छोटा सा दुनिया बना हुआ है, और आजू बाजू आप देख सकते हैं इतना अच्छा सिनेरियो बना गया है। और ये एक नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक खूबसूरत सा जगह ये है, बनाया गया है टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर सब लोग बाहर से आते हैं यहाँ घूमने, यहाँ का लुत्फ़ लेने। ये सूरज निकला हुआ है यहाँ पे, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं छोटा सा दुकान की तरह लगाया गया है जहाँ पे सामान मिल रहा है, ये लकड़ी का सामान और भी किसने किस का बेटा कत कर बेटा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर बच्चों को लेकर आते हैं तो यहाँ पे बच्चों को बैठा के छोटा सा राइड भी यहाँ पे करा सकते हैं दीघा के बीच में, विथ म्यूज़िक रिमोट में वो गाड़ी चल रहा है। और यहाँ पे छोटा छोटा सा दुकान लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ आपको खूबसूरत सामान कम दाम में मिल जाएगा, 50-100 रुपये में आपको लेडीज़ का ऑर्नामेंट्स और भी सामान सब आपको मिल सकता है यहाँ पे, जैसे कि पेन हुआ, लेडीज़ का कान का हुआ, ये सब सामान आपको। Thank you.
₹10 करके माला मिल रहा है, की रिंग मिल रहा है आपको। यहाँ पे छोटा सा बाइक भी है, अगर बच्चों को यहाँ पे बाइक राइड करवाना है तो दीघा के बीच में आप बच्चे को बाइक भी राइड करवा सकते हैं। और ये सीन देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या अच्छा सीन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है मैं रखिए, हाँ कर लिया नाश्ते का। हाँ सर, आते आते शाम ही रहेगा, 5-6 बज जाएगा। हाय, मैं अभी यहाँ दीघा के मार्केट में आया हूँ। यहाँ पे अलग अलग मछली मिल रहा है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रैब। ये हम लोग फिश मार्केट में दिखा था, यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं कि केकड़ा, क्रैब मिल रहा है, अलग अलग तरह का मछली मिल रहा है मार्केट में आपको, ताज़ा ताज़ा मछली। यही दोस्तों, हम अब यहाँ शेरे पंजाब में हैं, दिन के टाइम में आपको दिखा रहे हैं यहाँ का रास्ता कैसा है। और हम लोग अब यहाँ शेरे पंजाब से, अब हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं कलकत्ता की तरफ। और ये हम लोग दीघा गए थे, ये रास्ता दीघा जा रहा है और हमारा सामने ये रास्ता हो रहा है, ये हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता। ये दोस्तों, हम अभी दीघा से लौट रहे हैं, अब हम विद्यासागर सेतु ब्रिज में चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये विद्यासागर सेतु का आपको नज़ारा दिखाते हुए। ये विद्यासागर सेतु आपको कोलकाता से, अगर आपको दीघा जाना हो तो ये ब्रिज से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है ये।
दोस्तों, ये दीघा बीच में आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत थीम मिलेगा देखने में, आपको फ़ोटोग्राफ अच्छा खींच सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग दुकान में हाथ का बना हुआ आपको सामान देखने को मिल सकता है, हैंडमेड बैग्स, आपको और भी चीज़ें देखने को अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ हाथ का लकड़ी का बना हुआ बहुत सा खिलौना है, कुछ और भी चीज़ें हैं रूम में सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए है। यहाँ पे लेडीज़ का कान का झुमका, बच्चे का खिलौना, पेन, बहुत सा चीज़ मिलेगा। 10 रुपये से स्टार्टिंग है और आपका रेंज बढ़ता जा रहा है, जैसे आपको पसंद आएगा उस हिसाब से अलग अलग। यहाँ फ़िश मार्केट में आपको अच्छा अच्छा मछली मिल जाएगा, जो कि समुंदर से ताज़ा ताज़ा वो लोग निकाल कर सेल करते हैं, बाहर सप्लाई करते हैं। यहाँ पे फ़िश, क्रैब सब बाहर सप्लाई होता है, लोकल सेल भी होता है। इस जगह में आके आप अपना लाइफ का स्ट्रेस भूलकर कुछ पल यादगार बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आइए देखिए यहाँ पे।